नमस्कार दोस्तों, आपका भाई आपका दोस्त एक और वीडियो और इस वीडियो में एक और फेलोशिप के विषय में आपसे बात करने के लिए आया हूँ। फेलोशिप बहुत प्रकार की मैंने आपको बताई है। एक मैंने आपको इंटरनेशनल स्तर की फेलोशिप भी बताई थी गूगल के विषय में, गूगल PhD फेलोशिप, जिसकी डेट अभी है, उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दूंगा, आप जाके उसको भी भरिए। आज बात करेंगे इस फेलोशिप के विषय में कि ये क्या फेलोशिप है, इंडिया के लिए क्या बेनिफिट है, और ध्यान रखिए ये भी एक इंटरनेशनल स्तर की फेलोशिप है। क्या योग्यता है, क्या एज है, क्या कोर्स है, कैसे भरना है, क्या फीस है, कितने पैसे मिलेंगे, इन सब की जानकारी आपको मिलेगी इस वीडियो में। यदि वीडियो 50% देखने के बाद आपको बेहतर लगता है तो वीडियो को आगे तक देखिएगा, वरना अपना समय बर्बाद मत कीजिएगा। तो बात करते हैं इस फेलोशिप के विषय में। पहली चीज, दो कंट्री हैं इसमें, दो देशों के छात्र इसको भर सकते हैं, फ्रांस और इंडिया। ध्यान रखिएगा, फ्रांस और इंडिया दो देशों के इसको लोग भर सकते हैं, स्टूडेंट्स भर सकते हैं। इंडो फ्रांस फेलोशिप है ये। इसको जब सर्च करेंगे आप गूगल पे, यदि सर्च करना हो इसके बारे में और जानकारी चाहिए तो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में कुछ लिंक्स, कुछ वेबसाइट्स, कुछ PDFs की कॉपीज़ दूंगा, आपको लिंक दूंगा, उस पर जाके इसकी संपूर्ण जानकारी आप प्राप्त कर सकते हैं। यदि वीडियो में आपको संतुष्टि प्राप्त ना हो किसी चीज़ से, याद को यदि आपको समझ में ना आए, इसका नाम है इंडो फ्रांस सेंटर फॉर द प्रमोशन ऑफ एडवांस रिसर्च, इंडो फ्रांस सेंटर ऑफ द प्रमोशन एडवांस रिसर्च। जब ये सर्च करेंगे गूगल पे, और हाँ 2020 जरूर लिखिएगा, 2019 के अलग है तो 2020 के अलग लिखेंगे, आपको पूरी वेबसाइट पूरी डिटेल सारी खुल जाएगी, आप वहाँ जाके सब कुछ देख सकते हैं। लेकिन कई लोग आलसी भी होते हैं, मेरे वीडियो को देखने के कुछ सेकंड के बाद ही सीधे वेबसाइट पे जाएंगे और फिर मुझे कमेंट करेंगे या मेल करेंगे, सर या भैया हमको चीज़ें समझ में नहीं आ रही हैं। इसलिए पहला दायित्व आपका ये है, मेरे व्यूअर्स और नए सब्सक्राइबर हैं तो उनके लिए भी, मेरे साथियों, मेरे बहन भाइयों के लिए भी, पहले वीडियो को पूरा देखें, उसके बाद आप लिंक पर जाएं, उन चीज़ों को पढ़ें, देखें, समझें, उसके बाद यदि कुछ समझ में ना आए तब मेरे से बात करें या कमेंट बॉक्स में अपनी राय दें। फेलोशिप का मैंने आपको नाम बताया, दो कंट्री इंडिया और फ्रांस के लोग इसको भर सकते हैं। अब आते हैं इसके कुछ बिंदुओं पर कि क्यों दी जाती है, क्या है। एक भारत के वैज्ञानिक हुए थे, एक फ्रांस के हुए थे, प्रोफेसर जॉर्ज, 1992 में फ्रांस के थे प्रोफेसर जॉर्ज, उनको नोबेल पुरस्कार दिया गया था। और भारत के थे CV रमन, 1930 में उनको नोबेल पुरस्कार दिया गया था। आप सभी भली बात ही परिचित हैं, इसीलिए एक वैज्ञानिक भारत के और एक वैज्ञानिक फ्रांस के, उन दोनों को मिलाकर ये फेलोशिप दी जाती है, इसीलिए इसका नाम भी रमन चारपाक फेलोशिप रखा गया है। उनका पूरा नाम था प्रोफेसर जॉर्ज चारपाक, और CV रमन से हम लोग परिचित हैं। ये होता है इसका छोटा सा इतिहास। अब बात आती है इसके दूसरे चरण की कि ये फेलोशिप क्यों दी जाती है और किसे दी जाती है, किस क्षेत्र में दी जाती है। यदि आप साइंस एंड टेक्नोलॉजी में, यदि आप एनवायरमेंटल साइंस में, यदि आप मैथमेटिक्स की फील्ड में, इस प्रकार के क्षेत्र में कुछ काम करना चाहते हैं या आपकी जिज्ञासा है तो आप इसके लिए एलिजिबल हैं पूर्ण रूप से। यदि आप बायो के हैं, बायोलॉजी साइंस, बायोकेमिस्ट्री नहीं, बायोलॉजी साइंस के हैं, यदि आप लाइफ साइंस के हैं, यदि आप अर्थ साइंस के हैं, जो लोग ज्योग्राफी पढ़ते हैं या फिर जो एनवायरनमेंट स्टडीज़ पढ़ते हैं या फील्ड वर्क जो करते हैं वो इस विषय से परिचित हैं, बेहद चर्चित विषय है, इन सभी विषयों के यदि आप छात्र या छात्राएं हैं तो आप एलिजिबल हैं इस फेलोशिप कार्यक्रम को ज्वाइन करने के लिए, भरने के लिए। ये ध्यान रखिएगा, थंबनेल में आपने देखा होगा कि 1.2 लाख मैंने इसमें लिखा था पर मंथ। जी हाँ, यदि आपका इसमें सिलेक्शन हो जाता है इस कार्यक्रम के लिए, क्योंकि इसमें सिलेक्टेड सीटें होती हैं, कम से कम बच्चों का ही चयन होता है, बेस्ट एंड बेटर देन बेस्ट चाहिए होता है इस संस्था को, इस फेलोशिप कार्यक्रम के देने वाले उम्मीदवारों को, तो ध्यान रखिएगा बहुत सख्ताई से आपका सिलेक्शन होगा, साक्षात्कार होंगे, इंटरव्यूज होंगे, सिनॉप्सिस होंगे। आगे के क्रम में मैं बताऊँगा कि क्या सिनॉप्सिस से क्या है, उसके लिए वीडियो को आगे और देखिए। ये मैंने आपको विषय बताया, दो देशों को लोग भर सकते हैं, इस बात का भी ध्यान रखिएगा। एलिजिबिलिटी की मैंने आपको बात बता दी, एज सबसे बड़ा फैक्टर है डिसलेक्ट होने का और सिलेक्ट होने का, आपका एज। यदि आप माफ़ कीजिएगा, यदि आप 1 अगस्त 2020 तक, तारीख नोट करिएगा, यदि आप 1 अगस्त 2020 तक 30 साल तक के हैं, एक दिन ऊपर नहीं, तो आप इसके लिए एलिजिबल हैं। 30 साल तक के स्टूडेंट, चाहे गर्ल्स हो, चाहे बॉयज़ हो, चाहे फ्रांस का हो, चाहे इंडिया को, आप इसको उम्मीदवार हैं और भर सकते हैं, ध्यान रखिएगा इस चीज़ का। ये था एज का।
और टाइम आपको दिखा होगा थंबनेल में मैंने बताया था 2 से लेकर 6 महीने तक, क्योंकि कुछ बच्चों का सिलेक्शन इसमें हो सकता है मास्टर्स बेस पे हो और कुछ बच्चों का सिलेक्शन हो सकता है रिसर्च बेस पे हो। तो हो सकता है इस संस्था का नियम हो कि जिनका सिलेक्शन मास्टर बेस पे ये कर रहा है या करा जाता है उनका टाइम रिलेशन शायद 2 महीने का हो, और जो रिसर्च फील्ड के हैं उनका शायद 6 महीने का हो। इस बात का ध्यान रखिएगा। अब कुछ हम एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की और बात कर लेते हैं। 2 कंडीशन है मैंने बताया कि मास्टर्स कुछ फेलो को दिया के आधार पर आपका चयन होगा और कुछ फेलो का चयन पीएचडी या एमफिल या रिसर्च के आधार पर होगा, क्योंकि अन्य मुल्कों में शायद अधिकांश मुल्कों में एमफिल नहीं होता है, पीएचडी को ही मान्यता मिली है। और भारत में भी अधिकांश लोग पीएचडी करते हैं साइंस स्ट्रीम में, एमफिल में शायद साइंस में नहीं कराई जाती है। बेनिफिट्स, सबसे पहली बात होती है बेनिफिट्स, आपको क्या लाभ होगा अगर इसमें ज्वाइन करते हैं, क्योंकि फेलोशिप तो बहुत तरह की निकलती है। आपको किससे लाभ होगा ये समझना, और जहाँ आपको लाभ होगा और जहाँ आपको कम से कम नुकसान होगा, रिस्क आपका मिनिमम रिस्क होगा आपका और मैक्सिमम आपका बेनिफिट्स होगा, तभी आप किसी कार्यक्रम को ज्वाइन करते हैं और या अपने कदम वहाँ बढ़ाते हैं। सबसे पहली बात, आपको एक लाइफ इंश्योरेंस दिया जाएगा यानी कि मेडिकल सुविधा के साथ। आपको सिक्योरिटी दी जाएगी, यदि आपका सिलेक्शन आउट ऑफ इंडिया यानी कि फ्रांस में होता है तो 1 साइडेड का टिकट भी आपको दिया जाएगा, क्योंकि आपको इसमें इतना पैसा मिलेगा कि हो सकता है अधिकांश या 80% सुविधाएँ आपको फ्री दी जाएँ। इस बात का ध्यान रखिएगा, 80% सुविधाएँ आपको फ्री दी जाएंगी, पैसा भी मिलेगा, मान सम्मान तो मिलेगा ही मिलेगा। जो भारतीय छात्र छात्राएं हैं उनको पर मंथ का 1500 यूरो मिलेगा। 1500 यूरो को जब आप रुपीस में कन्वर्ट करेंगे तो 1,20,000 आता है उसकी वैल्यू, ये ध्यान रखिएगा। और जो फ्रांस के स्टूडेंट हैं उनको 40,000 मिलेगा। 40,000 यूरो नहीं मिलेगा, 40,000 रुपये मिलेगा, उनको अमाउंट कुछ कम दिया जा रहा है, क्योंकि इस संस्था के लोग जानते हैं कि इन विषयों के ज़्यादा मर्मज्ञ, ज़्यादा प्रोफेशनिस्ट, ज़्यादा जानकार भारत से ही हैं, इसलिए भारत के छात्र छात्राओं को ज़्यादा छात्रवृत्ति या फेलोशिप दी जा रही है 1,20,000 रुपये, और वहाँ के छात्रों को 40,000 रुपये। इस बात का और ध्यान रखिएगा। ट्रैवल और हेल्थ जो आपको जितना भी पैसा मिलेगा उनकी सुरक्षा और सिक्योरिटी और इंश्योरेंस सब दिया जाएगा, इस बात से बेफिक्र रहिए। सब कुछ संस्था की तरफ से होगा, लेकिन सिलेक्शन बहुत कठिन से कठिनतर होगा। जैसे गूगल पीएचडी फेलोशिप के बारे में मैंने आपको बताया था कि वो भी इंटरनेशनली स्तर की फेलोशिप है, और ये भी है इंटरनेशनल स्तर की फेलोशिप है, तो इसका प्रपोजल और सनॉप्सिस भी इंटरनेशनल ही स्तर का होगा। यदि आपने कभी नहीं लिखा है सनॉप्सिस इंटरनेशनल स्तर का, क्या उसके पॉइंट्स या बिंदु हो सकते हैं पूरी उसकी क्रोनोलॉजी के साथ, मैंने एक वीडियो बना के डाला था राधा कृष्णन फेलोशिप के बारे में जो कि राज्यसभा से निकलती है, जिसकी डेट अभी समाप्त हो चुकी है 21 मार्च थी। उस वीडियो का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दूंगा या कमेंट बॉक्स में आप कहेंगे तो मैं आपको पर्सनली भी दे दूंगा। अब इस वीडियो को देखिएगा, मैंने उसमें इंटरनेशनली स्तर का सोनोप्सिस या रिसर्च प्रपोजल कैसे तैयार किया जाता है, उसके क्या क्या पॉइंट्स या बिंदु हो सकते हैं, और किस बिंदु पर या किस पॉइंट्स पर आपको ज़्यादा फोकस करना है उस सोनोप्सिस में, तो आपको वहाँ से हेल्प मिलेगी। एक लंबा चौड़ा वीडियो है 15 से 16 मिनट का, आप देखेंगे आपको रिसर्च प्रपोजल के बारे में अच्छी और हिंदी में जानकारी मिलेगी। सोनोप्सिस आपको अंग्रेजी में भेजना है, इस बात का ध्यान रखिएगा। अगर फॉर्म ऑनलाइन हुआ या ऑफलाइन हुआ तो मैं बताऊंगा बाद में कि फॉर्म कैसे भरना है, क्या तरीका है, कहाँ पोस्ट करना है, क्या ईमेल आईडी है, सब बताऊंगा। अब बात आते हैं इसकी डेट्स की, कुछ डेट्स आपको जानना बहुत ज़रूरी है। विश्व के स्तर पे महामारी ने कदम पसार लिए हैं कोरोना ने, तो उसी के मद्देनज़र रखते हुए भारत और फ्रांस दोनों ने तारीखों में कुछ चेंजेस किया है। कुछ क्षेत्रों में या वेबसाइट्स ओपन हो रही है, कुछ जगह नहीं हो रही है, तो उसकी 2 डेट्स हैं, अप्रैल 2020 भी है और मई 2020 भी है। तो जब इसकी वेबसाइट पर जाएंगे, हो सकता है कुछ राज्यों में ये वेबसाइट ओपन भी हो, ध्यान रखिएगा। आप कहेंगे कि इंडिया में वेबसाइट तो सभी जगह ओपन होती है कोई भी, लेकिन इसमें ऐसा नहीं है। हो सकता है ये वेबसाइट महाराष्ट्र में ओपन हो, केरला में ओपन ना हो, दिल्ली में ओपन हो, बिहार में ओपन हो, तो घबराने की ज़रूरत नहीं है। लॉकडाउन की कंडीशन की वजह से ये बैरियर लगाए गए हैं, लेकिन जून तक आप आराम से फॉर्म भर सकते हैं, लेकिन इस बात का ध्यान रखिएगा। और इसके सिलेक्शन के प्रोसेस के 4 चरण हैं, ध्यान रखिएगा। इन 4 चरणों को ध्यान से सुनिएगा और ध्यान से समझिएगा, समझ में ना आए तो कमेंट में पूछिएगा या ईमेल अपना आईडी देंगे तो मैं आपको डिटेल में बताऊंगा। पहले आपको रजिस्ट्रेशन करवाना है, फॉर्म भरना है, पहला स्टेप है इसका। फॉर्म कंप्लीट होने के बाद फॉर्म का प्रिंटआउट कॉपी लीजिएगा, एक एड्रेस मैं दूंगा आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, वहाँ आपको बाय पोस्ट भेजना है। एक ईमेल भी होगा या उस पर ईमेल भी कर सकते हो, फ़ोन नंबर भी दूंगा, एक मैम का नंबर है, उनसे आप पहले बात करिएगा, कहिएगा
कि ये फेलोशिप हमने भरी है, इसके फॉर्म की हार्ड कॉपी हमको भेजनी है या बाय पोस्ट भेजना है या ईमेल करना है या कुछ नहीं करना है, वो आपको जैसा बताएंगी वैसा करिएगा। दूसरी पहली चीज़। दूसरी चीज़, जब आपका फॉर्म कंप्लीट हो जाएगा, भर जाएगा और आपका या ईमेल कर देंगे आप, उसके बाद एक मेल आएगा आपके पास या फ़ोन पे मैसेज आएगा कि आपका फॉर्म सबमिट हो गया है, एप्लीकेशन सक्सेसफुली सबमिट हो गया है। उसके बाद एक लिस्ट आएगी, यदि उसमें आपका नाम आता है, ध्यान रखिएगा, यानी कि एक मेरिट बनती है इसकी, यदि उसमें आपका नाम आता है तो आपको इंटरव्यू के लिए बुलाया जाएगा। इंडिया में तो हो सकता है वीडियो कॉलिंग के कॉन्फ्रेंस के माध्यम से आपका इंटरव्यू हो, या उसको या फिर आपको ऑन द स्पॉट भी बुलाया जा सकता है, इस बात का ध्यान रखिएगा। ये दूसरा चरण है। तीसरे चरण में आपको लिस्ट बनाई जाएगी, एक आपके फॉर्म में जो जो मांगा गया है उसके आधार पर आपसे जो जो दस्तावेज मांगे गए हैं आपको वो सभी देने पड़ेंगे विथ रिसर्च प्रपोजल के साथ। ध्यान रखिएगा, रिसर्च प्रपोजल मस्ट है, इस बात का ध्यान रखिएगा। ये डॉक्यूमेंट्स मैंने बता दिए हैं और क्या डॉक्यूमेंट्स इसमें साथ में देने हैं आपको मैं आगे बताऊंगा, इसलिए वीडियो को आगे तक देखिएगा। जून तक आराम से, मई से जून तक आराम से फॉर्म भर सकते हैं, कोई समस्या नहीं है। लगभग 1.5 से 2 महीने का समय है आपके पास, ये समय क्योंकि इसलिए नोटिफिकेशन वेबसाइट पर डाल दिया है इन्होंने, 2 महीने का समय नोटिफिकेशन का इसीलिए दिया है कि यह थोड़ी गंभीर फेलोशिप है, अमाउंट्स ज़्यादा नहीं है, काम चाहती है ये आपसे, और इनका जो काम है, संस्था जो काम करवाती है भारत सरकार की और फ्रांस सरकार से कोलैबोरेशन से चलता है, मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग किए हुए दोनों देशों, दोनों मुल्कों ने एक दूसरे से, तो काम बहुत ही वैज्ञानिक स्तर का होता है और बहुत ही गंभीर विषयों पर होता है। इस बात की सीरियसनेस को समझने के बाद ही इसके लिए अप्लाई कीजिएगा या वीडियो को आगे तक देखिएगा। ये तो हमने चारों चरण आपको बताए सिलेक्शन प्रोसेस के, इस बात का ध्यान रखिएगा। सितंबर के महीने में, ध्यान रखिए जून तक अंतिम तिथि है, उसके 2 महीने बाद सितंबर के महीने में इसका रिजल्ट डिक्लेयर होगा, तो आपको धैर्य रखना पड़ेगा। कई फेलोशिप में होती है कि 1 से 2 महीने में रिजल्ट आ जाता है, सब कुछ फाइनल हो जाता है, कईयों में समय लगता है। यदि आप में धैर्य है, इसकी गुंजाइश है, तो फॉर्म को अप्लाई कीजिएगा। मैं आपसे 6 अप्रैल में ये वीडियो बना रहा हूँ, 7 को आपको देखने को मिलेगा, 7 अप्रैल को आज नमक सत्याग्रह की जन्मदिन भी है, आज नमक सत्याग्रह, गांधी ने नमक कानून तोड़ा था साबरमती में जाके, उसका भी दिन है, तो ध्यान रखिएगा। उनको भी कड़ी मेहनत करनी पड़ी थी और आपको भी कड़ी मेहनत करनी पड़ेगी परिणाम तक पहुंचने के लिए, और मंजिल को प्राप्त करने का रास्ता भी आपको चयन करना है, चुनना है। सितंबर तक आपको रिजल्ट आ जाएगा, मेरिट बन जाएगी, इसकी वेबसाइट पर सूची आ जाएगी, ध्यान रखिएगा, क्षमा कीजिए। जून तक आपको फॉर्म भर देना है कंप्लीट रूप से, उसके बाद जुलाई अगस्त सितंबर 2 से 2.5 महीने आपको वेट करना है। नोटिस आएगा, मेल आएगा, वेबसाइट पर सूचना आएगी, इसकी मेरिट बनेगी जिन लोगों का सिलेक्शन हो चुका है। सिलेक्शन के 3 आधार मैंने आपको बताए हैं, फॉर्म भरना है, डॉक्यूमेंट्स लगाने हैं, सिनॉप्सिस भेजना है, इंटरव्यू भी होगा, इस बात का ध्यान रखिएगा। इन सभी सीटों को जो मापदंड है, अगर उस पर आप खड़े उतरोगे तो सितंबर के महीने में जो लिस्ट आएगी उसमें आपका भी नाम आएगा, इस बात से बेफिक्र रहिए। यदि आपने मेहनत की है तो परिणाम आपको मिलेगा। फिर आती है काम की बात। सितंबर में परिणाम आने के बाद जस्ट नेक्स्ट मंथ अर्थात अक्टूबर के महीने में, अगर अक्टूबर में रिजल्ट आता है तो नवंबर के महीने में, यानी कि 1 महीने का समय मिलेगा आपको, जिसमें आप तैयारी करेंगे, कहाँ जाना है, कैसे जाना है, कैसे काम करना है आने वाले समय में, आपको 2 महीने 4 महीने जिसके लिए भी आपका सिलेक्शन होता है, यानी कि रिजल्ट आने के नेक्स्ट मंथ के बाद आपका काम चालू हो जाएगा, इस बात का ध्यान रखिएगा। ये तो थी सारी बातें। इसके बाद यदि कुछ चीज़ें छूट गई हैं तो मुझसे कमेंट बॉक्स में पूछिएगा। कितने रुपये मिलने हैं मैंने आपको बताया, कितना टाइम पीरियड है मैंने आपको बताया, क्या एलिजिबिलिटी है, एज का भी मैंने बताया, 30 साल तक के लिए इंडिया और फ्रांस दोनों मुल्कों के बच्चे इसको भर सकते हैं, ये बताया। एक चीज़ साथ मैंने छोड़ दी है कि यदि जून के महीने की अंतिम तिथि है इंडिया के बच्चों के लिए, तो उससे 1 महीना ज़्यादा जुलाई तक फॉर्म भरने की अंतिम तिथि है फ्रांस के स्टूडेंट के लिए, 1 महीने का फेर है, दोनों में ध्यान रखिएगा। यदि यहाँ फॉर्म एंडिंग डेट यदि जून है तो वहाँ जुलाई है, और यहाँ अगर स्टार्टिंग डेट मई है तो वहाँ जून होगी, इस बात का ध्यान रखिएगा। फ्रांस और स्टूडेंट, क्योंकि मेरे यूट्यूबर में लगभग 16 स्टूडेंट ऐसे हैं, 16 सब्सक्राइबर ऐसे हैं जो आउट ऑफ इंडिया के हैं, 3 जिसमें से 3 कराची के भी हैं, तो जो लोग आउट ऑफ इंडिया के हैं मेरे उन 16 सब्सक्राइबरों को मेरा तहे दिल से सलाम है कि मेरे चैनल को पसंद किया, मेरी बातें आपके लिए लाभ सिद्ध हो रही हैं, तो बाहर के मुल्कों का मेरे विशेष रूप से धन्यवाद। और अपना आप सभी ख्याल रखिएगा स्वास्थ्य के लिए और सुरक्षा के दृष्टिकोण से। और रिसर्च प्रपोजल के बारे में थोड़ी सी मैं बात करूँगा, क्योंकि मैंने कंप्लीट वीडियो राधा कृष्ण फेलोशिप के विषय में और गूगल PhD फेलोशिप के विषय में डिटेल में बनाया है, उन दोनों का वीडियो में लिंक दूंगा मैं नीचे, आप ध्यान से देखिएगा कि इंटरनेशनल स्तर का फेलोशिप में प्रपोजल कैसे बनाते हैं। अब कुछ डॉक्यूमेंट्स की बात करते हैं कि क्या क्या साथ में आपको अटैच करना है या देना है, इस बात पे आते हैं।
जो आपकी लास्ट डिग्री है, चाहे मास्टर्स हो, चाहे एमफिल हो या पीएचडी हो, उसकी मार्कशीट, रजिस्ट्रेशन कॉपी, एनरोलमेंट कॉपी साथ में लगानी है, अटैच करनी है, सेल्फ अटैच करनी है, अटैच करके सेल्फ अटैच करनी है, ध्यान रखिएगा, स्कैन करके लगानी है, पहली चीज़। दूसरी चीज़, आपको 5 पेज का कम से कम, ज़्यादा नहीं है, कम से कम 5 पेज का, ज़्यादा से ज़्यादा 7, 8, 10 जो भी हो सकता है, रिसर्च प्रपोजल लगाना है, इस बात का ध्यान रखिएगा, और इंग्लिश माध्यम में ही होना चाहिए। तीसरी चीज़ रिसर्च प्रपोजल की, पहली चीज़ की 5 पेज का कम से कम होना चाहिए, दूसरी चीज़ अंग्रेजी माध्यम में होनी चाहिए, और तीसरी चीज़ 1 से 2 पेज की आपकी बिब्लियोग्राफी या रेफरेंसेस सूची होनी चाहिए, दिस इज़ अ मस्ट। ये बहुत ज़रूरी है कि यदि आपने रेफरेंसेस सूची नहीं लगाई है, बिब्लियोग्राफी नहीं लगाई है, संदर्भ ग्रंथ सूची नहीं लगाई है, तो आपका सिनॉप्सिस रिजेक्ट कर दिया जाएगा, इस बात का ध्यान रखिएगा। तीसरा दस्तावेज, डॉक्यूमेंट्स, आपको अपना एक रिज्यूम यानी कि बायोडाटा लगाना है, अटैच करना है, अटेस्ट भी करना है। तीसरी चीज़ ध्यान रखिएगा, आपको अपना एक आईडी प्रूफ लगाना है, 1 लगा दीजिए 2 लगा दीजिए 3 लगा, जिसमें आपका एड्रेस हो, जिसमें आपकी फ़ोटो हो, जिसमें आपका डेट ऑफ बर्थ हो। दोबारा बोल रहा हूँ, आईडी प्रूफ में आपका फ़ोटो होना चाहिए, कंप्लीट एड्रेस होना चाहिए, रेजिडेंस हो सकता है, परमानेंट हो सकता है, और आपका डेट ऑफ बर्थ होना चाहिए। फ़ोटो, एड्रेस, डेट ऑफ बर्थ, ये ऐसा कोई डॉक्यूमेंट्स आपके पास है तो उसको भी स्कैन करने से पूर्व सेल्फ अटेस्ट करेंगे कॉपी को, तो ही आपके लिए बेटर रहेगा। सीवी लगानी है और रिसर्च प्रपोजल लगानी है, 3 चीज़ आपको मस्ट है, ध्यान रखिएगा। 2 चीज़ और हो सकती है, जब आप फॉर्म भरेंगे इसमें तो ऑप्शन आएगा उसके अंदर, तब उसको करिएगा, कि हो सकता है आपसे आपके हेड ऑफ द डिपार्टमेंट का एक लेटर मांगे, या आपके रिसर्च गाइड का एक लेटर मांगे, या हो सकता है डीन का एक लेटर मांगे, या फिर हो सकता है कि यदि आप पीएचडी स्टूडेंट हैं, आपसे एनरोलमेंट का प्रूफ मांगे। यदि ये मांगता है तो ये दस्तावेज तब ही लगाइएगा, यदि नहीं मांगता है तो लगाने की आवश्यकता नहीं है। लेकिन जितना मैं श्योर हूँ, जितना मैंने सर्च किया है थोड़ा वेबसाइट्स के बारे में, कुछ लोगों से मैंने ईमेल से बात की है, उन्होंने मस्ट बताया है, तो अपने ही डॉक्यूमेंट्स तैयार रखिएगा, इसीलिए 1 से 2 महीना दिया जा रहा है। हो सकता है लॉकडाउन में थोड़ी छूट मिले, भारत के अंदर भी और अन्य मुल्कों में भी, तो संभावनाएं मिले, विश्वविद्यालय थोड़ा बहुत चले, काम कर, तो आप अपना काम उसमें करिएगा, लेकिन तब तक आप अपना रिसर्च प्रपोजल तैयार कीजिएगा, क्योंकि 80% सिलेक्शन आपका रिसर्च प्रपोजल पर ही होना है। तो इसीलिए वीडियो में मैं रिसर्च प्रपोजल के विषय में ज़्यादा फोकस कर रहा हूँ, इस बात का ध्यान रखिएगा। लगभग सभी चीज़ें बता चुका हूँ, किन विषयों पर होनी है, क्या एज लिमिट है, किन मुल्कों के बच्चों के लिए है, क्या विषय होने चाहिए, क्या डिग्री होनी चाहिए, यदि आपका एमएससी है कंप्लीट है तो भी भर सकते हैं, यदि पीएचडी एनरोल है तो भी भर सकते हैं, यदि पीएचडी का फर्स्ट ईयर है तो भर सकते हैं, यदि अंतिम ईयर है तो भी भर सकते हैं, इस बात का ध्यान रखिएगा। अमाउंट आपको बता चुका हूँ, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में कुछ लिंक्स दूंगा, उनको आप तभी देखिएगा जब वीडियो समझ में ना आए, या वीडियो में कुछ बातें अधूरी आपको लगे, तो लिंक पर जाइएगा, और जब लिंक पर वेबसाइट्स पे जाएंगे तब आपको कुछ समस्या आती है तो कमेंट बॉक्स में बताइएगा। वीडियो अच्छा लगा हो अब तक तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद, इतने लंबे वीडियो को बख्शा और मुझे बर्दाश्त किया। वीडियो को शेयर करें अपने दोस्तों को जिनको इसकी ज़रूरत है, उन सभी लोगों को, और यदि नए व्यूअर हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और लाइक भी कर सकते हैं, कोई मजबूरी नहीं है आपको कि करना ही, यदि आवश्यकता लगे तो करिएगा। आपने वीडियो को देखा, मुझे बर्दाश्त किया, चैनल को पसंद किया, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। सलाम।